तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ साग कैसे बनाया जाता है, जो हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको काटा जाता है। तो ये है वो छोटी सी मशीन जो साग काटने के काम आती है। जैसे घास को काटा जाता है, उसी तरह से यहाँ पे साग को भी काटा जाता है। यहाँ पे साग को काटा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा छोटी ये मशीन है। साग के पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं और साथ में इसके पालक भी डाला जाता है। पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो यहाँ बाल्टी में हमने साग रखा है, जो देखने में ऐसा लगता है उसका पत्ता। यहाँ पे काट रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बारीक बारीक इसके पीसेस हो रहे हैं। इस तो साग के साथ ये है सौंफ, साथ में जो डाली जाती है साग के, इससे टेस्ट काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है साग का। यहाँ पे कुछ पालक के पत्ते भी साथ में डाले जाते हैं। तो यहाँ पे डाला जाता है साग के पत्ते पहले, और सेकंड पे डाला जाता है यहाँ पे पालक। पालक को भी साथ में यहाँ पे काट लिया जाता है छोटी सी मशीन के साथ। अगर हमारे पास अगर ये मशीन ना होती तो हम एक कटर है हमारे पास, जिसे घास काटते हैं वो मैन्युअली चलाना पड़ता है, तो उससे ही हम साग को पहले काटते थे। उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हमें फेस करने को मिलती थी, लेकिन मशीन आने के बाद ये काम ज्यादा आसान हो चुका है। इसके बाद इसको कुकर में बेक करेंगे और उसके बाद खाने के लिए साग रेडी हो जाएगा। साग के साथ मक्की की रोटी खाई जाती है, जिसका मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से उसको हम पीसने लेके गए थे। सौंफ को भी इसके साथ ही डाल दिया जाएगा और इसके साथ ही सौंफ को भी काट दिया जाएगा। इसको कोई भी हम अलग नहीं काटते हैं, इसको भी साथ में ही काटते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। साग को काट के बाल्टी में हमने रख लिया है और इसको अब भिगोने के लिए हमने डाल दिया है। इसके बाद ही इसको कुकर में चढ़ाएंगे। पानी को यहाँ पे पहले हम हटा लेंगे, भिगोने के लिए काफी टाइम के लिए हमने रख लिया था। अभी पानी को हम इससे हटा देंगे ताकि कुकर में कम से कम पानी जा सके, क्योंकि इसमें भी पानी होता है तो कुकर में ज्यादा ये पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे हम ये कुकर में डाल रहे हैं। ये साग, पालक और सौंफ का मिक्सचर है एक साथ, जो हमने आपको काट के पीछे दिखाया था। हमने साग को कुकर पे चढ़ा दिया है। इसके बाद ये अच्छे से बेक हो जाएगा और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे साग को काटा जाता है और खाने के लिए ये रेडी हो जाता है। तो ये था साग काटने का प्रोसेस और उसको बनाने का प्रोसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।